गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं आरके पंकज चैंपियन कोचिंग सेंटर के इस मंच पर आप सभी का एक बार पुनः ढेरों प्यार के साथ स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मेरे पॉलिनेशन अर्थात परागण टॉपिक से संबंधित जो सीरीज चल रहा है उसका सातवां भाग मैं आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सेवंथ पार्ट में मैं आपको पॉलिनेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बायोटिक एजेंट्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसमें मैं जूफिली के अंदर एंटोमोफिली के बाद ऑर्निथोफिली और उसके अलावा जिन जिन जंतुओं के द्वारा परागण की क्रिया मुख्य रूप से होती है उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आज के इस वीडियो क्लास का मेरा आधार आपको जंतुओं के द्वारा पेड़ पौधों में फूलों में जो पर परागण की क्रिया होती है वह परागण की क्रिया को संपन्न करवाना, किन किन के द्वारा यह प्रक्रिया पूरी होती है उसे बतलाना और पर परागण करने के लिए फूलों में कौन कौन सी अनुकूलताएं होती हैं, किन विशेषताओं का वह सहारा लेता है इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आज के मेरे वीडियो का आधार इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को मेरे बतलाने का यह उद्देश्य है कि पर परागण से क्या एडवांटेज है, पर परागण से क्या डिसएडवांटेज हमें मिलते हैं, अर्थात पर परागण क्या हमें फायदा पहुंचाता है और क्या इसका नुकसान है, इसके बैड और गुड इम्पैक्ट पर भी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बायोटिक एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के तहत पहला जूफिली बतलाया था। जूफिली जो जंतुओं के द्वारा परागण होता है और जंतु अनेक प्रकार के होते हैं, जिसके आधार पर मैंने आपको सर्वप्रथम इंटोमोफिली के बारे में बताया। इंटोमोफिली में मैंने आपको यह जानकारी देने का प्रयास किया कि जब कीटों के द्वारा परागण होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कीट पर परागण कहते हैं। और कीटों को जैसे भौरा, बर्र, मधुमक्खी, तितली इत्यादि कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए फूलों को रंग, सुगंध और मकरंद की आवश्यकता पड़ती है। उसमें मैंने विस्तार से आपको साल्विया का एक फूल का यहाँ डायग्राम, रफ डायग्राम यहाँ मैंने बनाया और उस साल्विया के रफ डायग्राम के द्वारा यह बतलाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से लीवर मैकेनिज्म के द्वारा कीट जो है वह साल्विया के फूल को परागित करते हैं। मैंने आपको बतलाया था कि उसमें अस्टामेन के जो फिलामेंट होते हैं उस फिलामेंट के एक सिरे पर आपका स्टेराइल पार्ट होता है और दूसरा सिरा जो होता है वह आपका फर्टाइल पार्ट होता है। जब स्टेराइल पार्ट पर कीट अपना वजन को रखते हैं तो उसके जो फर्टाइल पार्ट होते हैं जिस पर एंथर लगा होता है जिसमें पराक्रम होता है वह आगे की ओर झुक जाता है और कीट के पीठ पर चोट करता है, जिसके वजह से पराकोष फट जाता है और उसके अंदर के सारे पॉलिन ग्रेन जो होते हैं वह कीट के पीठ पर गिर आते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो पीठ पर कीट के पीठ पर जो गिरा हुआ परागकण है उसको लेने के लिए नर भाग के बाद जो फूल का मादा अंग है, जो उसका स्टिग्मा है, जो स्टाइल है वह आगे की ओर बढ़ता है, स्टाइल आगे की ओर झुकता है और स्टिग्मा को कीट के पीठ पर झुका देता है। जब अस्टिग्मा उसके संपर्क में पीठ के संपर्क में आती है तो पीठ पर जो भी परागकण बिखरा हुआ है उन परागकणों को वह गठन कर लेती है। इस प्रकार से साल्विया के फूल में परागण की क्रिया होती है। यह मैंने आपको विस्तार के साथ बताया। अब मैं क्लास को आगे बढ़ाते हुए आपको अगले टॉपिक की ओर ले चलता हूं। मित्रों, मैंने यहां सेकेंड पॉइंट दिया है और लिखा है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली का मतलब होता है जब परागण की क्रिया पक्षियों के द्वारा होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ऑर्निथोफिली अर्थात पक्षी पर परागण कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बतलाया कि यहां पर
पक्षियों के द्वारा बहुत सारे पक्षी परागण की क्रिया में भाग लेते हैं, जिसमें मुख्य रूप से गुंजन पक्षी अर्थात मरमर पक्षी भी उसे कहते हैं। आप लोग शायद सुने होंगे हमिंग बर्ड का नाम। हमिंग बर्ड के द्वारा, तोता के द्वारा, मैना, कौवा, बुलबुल, ये सब के द्वारा परागण की क्रिया जब होती है तो उसे हम लोग ऑर्निथोफिली अर्थात पक्षी पर परागण कर। चूंकि पक्षियां बड़ी होती हैं, कीटों की अपेक्षा उनका आकार बड़ा होता है, तो इसलिए फूलों का साइज भी बड़ा होना पड़ता है, उसका सेव भी उस ढंग से हो पाता होना जरूरी होता है ताकि वह परागण की क्रिया को आसानी से कर सके। तो स्टूडेंट्स, मैं यहां पर लिखा हूं कि फूल जो होते हैं वह नली या प्याले के आकार का होता है और चमकदार होता है। चमकदार रहने से दूर से ही वह पक्षियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। फूल गंधहीन होते हैं, उसमें फूल की तरफ जब रंग नहीं है, फूल की तरफ जो है जब गंध नहीं है, फूल बड़ा और चमकदार है तो कीट उसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो इसके पीछे क्या रीजन होगा? इसके पीछे रीजन होगा मकरंद और परागकण। तो मकरंद और परागकण को लेने के लिए पक्षियां फूलों पर बैठती हैं और वहां से वह मकरंद और परागकण को इकट्ठा करती है। परागकण जो कि उसका भोजन भी होता है, उस भोजन को लेना, उसको ग्रहण करना और साथ ही साथ जब वह पक्षी किसी दूसरे फूल पर जाती है तो कुछ परागकण को दूसरे फूल पर भी गिरा देती है। इस प्रकार से फूलों के द्वारा आप इस प्रकार से पक्षियों के द्वारा फूलों में परागण की क्रिया, क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है। इसके बाद आपके एनसीईआरटी के बुक में एक पॉइंट मेंशन है मित्रों, जिसमें लिखा गया है कि मरमर पक्षी जिसको हमिंग बर्ड गुंजन पक्षी कहते हैं, वह अपने कुल वजन का लगभग आधा वजन के बराबर जो परागकण होता है इकट्ठा करती है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दर्शाया भी है। तीसरा पॉइंट, मैं आपको यहाँ क्रिप्टोफिली के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्रिप्टोफिली का मतलब होता है चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण। चमगादड़, जैसा हम जानते हैं कि चमगादड़ जो होता है वह आपको तेज आवाज के द्वारा आगे उड़ता है। रात्रिचर स्तनधारी है, उड़ने वाला स्तनधारी है। यहाँ लिखा है मैंने रात्रिचर उड़ने वाला स्तनधारी कौन है? चमगादड़ है। चमगादड़ आपको रात में जब उड़ता है तो उसको दिखलाई नहीं देता है, आगे कोई अवरोध हो इसका पता उसे जो वह ध्वनि तरंगों को फेंकता है वह तरंगों के द्वारा उसे पता चलता है। तो रात्रिचर उड़ने वाला स्तनधारी चमगादड़, कदंब, कचनार, झाड़ फानूस जिसे हम लोग सॉसेज कहते हैं, एडोनसिनिया से परागकण इकट्ठा करता है और इस क्रिया को हम लोग चमगादड़ परागण कहते हैं, क्योंकि इस क्रिया के द्वारा ही वह जो है अनजाने में कई फूलों को जो है परागित कर जाता है। चौथा मैंने स्टूडेंट्स लिखा है मैलेकोफिली। मैलेकोफिली का मतलब होता है जल में या जल के निकट रहने वाले जो जलीय जंतु हैं, जैसे घोंघा है, स्लग है, इसके द्वारा जब परागण होता है तो उसे हम लोग मैलेकोफिली कहते हैं। आपका कई बार ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जब घोंघे के द्वारा परागण होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग मैलेकोफिली कहते हैं। और ऐसे जो फूल होते हैं वह स्पैडिक्स पुष्करम वाले होते हैं। स्पैडिक्स पुष्करम आपको इन्फ्लोरेसेंस के चैप्टर में जानने को मिलेगा। ये फूल उसे आश्रय देने का भी काम करते हैं। जिमीकंद, कोबरा पादप, लेमना, क्राइसेंथेमम में यह परागण क्रिया होती है। पांचवा मैंने लिखा है मिर्मिकोफिली। मिर्मिकोफिली का मतलब होता है चींटियों के द्वारा परागण। जब चींटी परागण करते हैं तो उसे मिर्मिकोफिली कहते हैं। छठा ऑफियोफिली। ऑफियोफिली में मैंने बताया है कि सांप जब एडिसीमा जैसे फूलों में परागण करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑफियोफिली कहते हैं। और सातवां तथा अंतिम मैंने एंथ्रोफिली के बारे में यहाँ आपको बताने का कहा। एंथ्रोफिली का मतलब होता है जब मनुष्य जो है परागण करवाता है, तो मनुष्य जब परागण करवाएगा मित्रों तो वह अपने विवेक के द्वारा करवाएगा, वह अपनी इच्छा अनुसार करवाएगा, उसके पीछे उसका कुछ उद्देश्य होगा कि मैं जो परागण करवा रहा हूं मुझे परागण के बाद ऐसे पौधे चाहिए, उनसे ऐसे बीज चाहिए जो हमें विभिन्न रूप से फायदा पहुंचा सके। तो यह मनुष्य के द्वारा आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से नियंत्रित विधि द्वारा करवाया जाने वाला परागण है, यानी ये मानव जनित परागण है जो नियंत्रित होता है
कृत्रिम होता है, इसलिए मैंने यहां लिखा है यह मानव द्वारा किया जाने वाला कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है। ये सारे मैंने आपको पॉइंट यहां दर्शाया। इसके बाद नोट में मैंने लिखा है, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में आपका लिखा हुआ है, कृषक खोरा पक्षी, लीमर वानर प्राणी, शाखाचारी कृंतक, गीको छिपकली, उपवन छिपकली भी परागण की क्रिया में भाग लेते हैं। तो ये ओवर ऑल पूरा जिन जिन जंतुओं के द्वारा आपका बायोटिक क्रॉस पॉलिनेशन जैविक पर परागण की क्रिया होती है और किन फूलों में होती है, वह मैंने आपको यहाँ बतलाने का प्रयास किया। आप समझते हैं कि जहां तक मेरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। और एक बात आप ध्यान रखेंगे कि यह जो मैंने आपको लिखा है, ये सारी चीजें आपको जब पूछी जाती हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में, यानी सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, तो सारे पॉइंट को दर्शाया जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्टिव व्यू से मैंने आपको बतलाने का काम किया और साथ ही साथ मेरा उद्देश्य सभी तरह के विद्यार्थियों को, चाहे वो एकेडमिक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, चाहे वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स हो, उन सारे की डिमांड को, उन सारे के आने वाले मतलब क्वेश्चन को ध्यान में रख करके मैंने इन सारे टॉपिक को यहाँ पर समाहित किया है। इसे आप लोग उतारें, इसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि आखिर जो परागण पर परागण की क्रिया होती है, उन पर परागण की क्रिया को प्रेरित करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए, उसे इंश्योर करने के लिए फूलों में या पौधों में कौन कौन सी अनुकूलताएं होनी, कौन कौन सी विशेषताएं होनी जरूरी है। ठीक है, स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने पर परागण की क्रिया, आपके सामने पर परागण की क्रिया, यहां सुधार लीजिएगा, पर परागण की क्रिया को बढ़ावा देने के लिए फूल में कौन कौन सी अनुकूलताएं होती हैं, यानी फूल कौन कौन से लक्षणों को, पौधे कौन कौन से विशेषताओं को धारण किए हुए रहता है जिसकी वजह से वह पर परागण कर पाता है, इस पर मैं यहाँ पर दर्शाने का काम। मित्रों, परीक्षा में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्व परागण को रोकने के लिए फूल में कौन कौन से अनुकूलताएं होती हैं, या स्व परागण को रोकने और पर परागण को बढ़ावा देने के लिए फूल या पौधे किन किन लक्षणों का, विशेषताओं का, अनुकूलताओं का सहारा लेते हैं, तो उसका जवाब जो मैंने यहाँ पर आपको दर्शाया है, ये आप लिख सकते हैं। 5 पॉइंट, 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। शॉर्ट में थोड़ा सा आप इसमें चाहें तो कुछ जो आपको लगे कि यहाँ से थोड़ा सा हटाया जा सकता है, उन शब्दों को, उन लाइनों को आप हटा भी सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ विस्तार से दर्शाया है। साथ ही साथ कभी कभार आपका 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, कोई पॉइंट इसमें से उठा के पूछ दिया जाएगा कि सेल्फ एस्टेलिटी किसको कहते हैं या हर्पोगेमी किसको कहते हैं, तो आपका जवाब जो है आप देने में सक्षम हो सके, इसलिए मैंने सारे जो इनसे संबंधित पॉइंट्स हैं उनको मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। मैंने लिखा है, पौधों या फूलों में स्व परागण को रोकने तथा पर परागण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित युक्तियां, अनुकूलताएं पाई जाती हैं पौधों में, यानी कंट्रीवेंसेस या डिवाइसेस या एडप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। कंट्रीवेंसेस का मतलब हो गया डिवाइस, युक्ति यानी विधि, कौन कौन सा वो तरीके का डिवाइस, मतलब आप लोग समझते हैं, जिसे जो हमारे कार्य को आसान बनाता है। जैसे मान लिया जाए कि आप एक जो है तार लेते हैं और उस तार को लेकर के आप किसी भी क्या कहता है पलक घुसाने वाले में, आप पिन में डालते हैं, तो आपका क्या होता है, उसमें आपका हो सकता है तार हिल जाए तो आपका बल्ब जलना, या जो सामान आप तार से जुड़े हुए हैं, जो इलेक्ट्रिक डिवाइस आप जुड़े हुए, वो जलना बंद कर दे, या उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आए, तो उसमें क्या करते हैं, पलक लगा देते हैं। आपको कोई सामान खोलना है, मान लीजिए खोलने के लिए किसी बोतल को खोलना है, थम्सअप के बोतल को, तो आप क्या करते हैं, बोतल ओपनर जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो डिवाइस का मतलब है युक्ति,
जिस युक्ति के द्वारा, जिस सामग्री के द्वारा, जिस माध्यम के द्वारा हमारा कार्य आसान हो जाए और कार्य में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइस कहते हैं या कंट्रीवेंसेस कहते हैं। तो मैंने यहां पर बताया कि कौन सी युक्तियों के द्वारा, कौन सी अनुकूलताओं के द्वारा पौधे जो है वह पर परागण को, क्रॉस पॉलिनेशन को इंश्योर करते हैं, उसे सुनिश्चित बनाते हैं। तो मैंने पहला पॉइंट यहां दर्शाया है यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लाइनिंग, जिसे एक लिंगता कहते हैं। समझ में ही हमें शब्दों से आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि स्वपरागण फूलों में तब ज्यादा श्योर हो जाता है जबकि फूल क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। यानी फूल अगर द्विलिंगी, हाँ ये अलग बात है कि कभी कभी कुछ फूल द्विलिंगी होते हैं, लेकिन द्विलिंगी रहते हुए भी वह स्वपरागण नहीं कर पाते, उनमें कुछ आंतरिक अवरोध होता है, या फिर वो द्विलिंगी रहते हुए भी उनके मैचुरेशन का जो पीरियड होता है वह पीरियड आगे पीछे रहता है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते। लेकिन जनरली द्विलिंगी फूलों में जब होता है तो क्या होता है, स्वपरागण होता है। और अगर फूल एकलिंगी है तो फूल जब एकलिंगी रहेंगे तो उसमें क्या होगा, परपरागण होगा, क्योंकि एकलिंगी फूल को अपने साथी की आवश्यकता पड़ेगी। यानी मादा फूल है तो उसे परागकण चाहिए, जिसके लिए नर फूल होना चाहिए, और अगर नर फूल है तो परागकण को जाने के लिए कोई मादा फूल का आवश्यकता पड़ता है। इसीलिए यहां मैंने दर्शाया है कि पुष्प एकलिंगी होते हैं, ये बात तो कन्फर्म है। दूसरी चीज, पुष्प एकलिंगी होते हैं लेकिन पौधे आपके द्विलिंगी अर्थात उभयलिंगी हो सकते हैं, या पौधे एकलिंगी अर्थात पृथक लिंगी हो सकते हैं। यानी ऐसा भी पौधा हो सकता है जिस पौधे में आपके दोनों तरह के फूल, यानी एक ही पौधे में नर फूल भी मौजूद है, स्टामिनेट फ्लावर भी मौजूद है, और उसी पौधे में सेम प्लांट में फीमेल फ्लावर भी मौजूद है अर्थात पिस्टिलेट फ्लावर भी मौजूद है। जैसे हम लोग मक्का को देखते हैं, मक्का में क्या देखते हैं, मक्का में जो है आपका नर और मादा दोनों तरह के फूल मौजूद रहते हैं। जब ऊपर में आप लोग देखते होंगे भुट्टा जो रहता है, मेज जो रहता है, उसे बाली निकला हुआ रहता है, रहता है ना, वो बाली क्या है, वो आपका स्टिग्मा है, ठीक है। उस स्टिग्मा पर ऊपर में क्या रहते हैं, एंथर रहते हैं। तो एंथर से जब पोलन ग्रेन गिरता है हवा के वजह से, जिसको हम लोग एनिमोफिली कहते हैं, तो वह पोलन ग्रेन कहां आता है, भुट्टा के आगे जो झाला टाइप का आपको बाली नजर आ रहा है, उस बाल जैसा रेसा जैसा रचना पर गिर जाता है और पर परागण क्रिया को संपन्न कर देता है। तो भुट्टा क्या हो जाएगा, मेज क्या हो जाएगा, कॉर्न क्या हो जाएगा, वह जो है एक प्रकार का मोनोसियस अर्थात द्विलिंगाश्रयी उभय लिंगाश्रयी पौधा हो जाएगा। तो पौधा आपका द्विलिंगाश्रय भी उभय लिंगाश्रय भी हो सकता है। लिंगाश्रयी यानी लिंग को धारण किए हुए पौधा, ठीक है, या पौधा एक लिंगाश्रय भी हो सकता है, जिसे हम लोग पृथक लिंगाश्रय अर्थात डायोसियस प्लांट कहते हैं। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य हो गया कि कोई पौधा है तो उसमें या तो मेल फ्लावर ही लगा हुआ रहेगा अथवा उसमें फीमेल फ्लावर भी लगा हुआ रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अगर आपका मेल फ्लावर लगा हुआ है तो उस जाति के जितने भी फूल होंगे, जितने भी पौधे होंगे, सब में मेल फ्लावर ही लगा हुआ, ऐसा नहीं होता। उस जाति में अनेक पौधे होते हैं और अनेक पौधे में आपको कुछ पौधे मेल फ्लावर वाले होते हैं और कुछ पौधे फीमेल फ्लावर वाले होते हैं। मतलब पौधा समान जाति का है लेकिन समान जाति के अलग अलग पौधों में एक लिंग वाले नर और मादा फूल अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण यहाँ दर्शाया सहतूत मुलबेरी, जिस पर आपको रेशम का कीड़ा क्या करता है, अपना पालन पोषण करता है, अपने बच्चे को अपने अंडे को देता है। पपीता, डेट पाम, वैली सनेरिया, कद्दू, खीरा, ये सारे जब प्रैक्टिकल मैं करवाऊंगा तो मैं आपको यहाँ बतलाने का काम भी करूंगा। तो यूनिसेक्सुअलिटी में जो होते हैं वह फूल तो एकलिंगी होते हैं लेकिन पौधे एक लिंगाश्रयी या उभय लिंगाश्रयी हो सकती है। अब आइए दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है सेल्फ हॉस्टिलिटी। सेल्फ हॉस्टिलिटी जिसे हम इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है। मैं बार बार इस चीज पर आपको जोड़ देता हूं कि आप शब्दों को समझिए, अगर आप शब्दों को समझ जाइएगा तो आपको याद करने में भी आसानी होगी और माइंड में आपको आराम से अधिक समय तक वो रहेगा, परीक्षा में आपको उलझने समस्याएं किसी प्रकार की नहीं हो। तो देखिए सेल्फ मतलब होता है स्व, खुद के, हॉस्टिलिटी मतलब क्या होता है, बांझपन, खुद का बांझपन, या इनकम्पेटिबिलिटी, इनकम्पेटिबिलिटी मतलब कंपेटिबिलिटी, मतलब कंपेटिबल, कंपेटिबल होना यानी योग्य होना, इनकम्पेटिबल मतलब अयोग्य होना।
अर्थात मेरा यहां कहने का मतलब है कि अगर कोई फूल द्विलिंगी है या कोई पौधा द्विलिंगी है, द्विलिंगाशयी उभयलिंगाशयी, तो वह अगर परागकण गिरेगा, परागकण अगर गिरेगा अपना ही फूल का परागकण अपने ही स्टिग्मा पर गिर जाएगा तो आपका परागण की क्रिया को संपन्न नहीं करेगा। यानी उस परागकण से ना तो पॉलन ट्यूब निकलेंगे ना तो वो निषेचन करेगा। ठीक है, तो मैं यहां लिखा है जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प पर गिरे और वह अंकुरित अर्थात परागण, परागण के बाद ही ना अंकुरित होगा, तो वह परागण, परागण करने का उद्देश्य क्या होता, निषेचन करना। वह अंकुरित नहीं हो या निषेचन नहीं कर पाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। मैं आगे के एक आपको अलग से टॉपिक में बताऊंगा कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है, कंपेटेबिलिटी और इनकम्पेटेबिलिटी क्या होता है, ये मैं आपको बताने जाऊंगा। अब आगे देखिए, यहां पर जैसे मालवा, आलू, तंबाकू, क्रूसीफर, ग्रेमनी फूल, टी, आर्किड, पिटूनिया, एप्पल, पैसिफ्लोरा, ये सब क्या है, सेल्फ इम्पेटिक, ये सेल्फ स्टेरिलिटी को क्या करते हैं, वो शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है छात्रों क्योंकि अगर एक फूल है भैलिंगी द्विलिंगी फूल है तो द्विलिंगी में आपका नर अंग भी होगा और मादा अंग भी होगा और सब में जीन भी रहते हैं क्योंकि अनुवांशिकता उनसे जुड़ी हुई रहती है। तो जीन जब रहता है तो जीन क्या रहता है, जोड़ा में रहता है। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए स्टिग्मा में कोई जीन है S1 S2 और एंथर में भी जो जीन है वह भी S1 और S2 है, तो दोनों सिमिलर जीन जब रहेगा ना तो वैसे कंडीशन में ये सिर्फ स्टेरिलिटी को या इनकम्पेटिबिलिटी को दर्शाने का काम करेगा। ठीक है, अब तीसरा मैंने लिखा है प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी इसका मतलब देखा जाए क्या होता है परिभाषा के द्वारा, जब एक पुष्प का परागकण, जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकागल पर गिरता है, कोई फूल का परागकण है पॉलन ग्रेन है, अगर वह दूसरे फूल के वर्तिकागल पर गिरेगा तो तेजी से अंकुरित होगा, जर्मिनेट होगा, निषेचन की क्रिया को जल्दी जल्दी वो जो है संपन्न करने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर वही फूल का परागकण अपने ही स्टिग्मा पर गिर जाता है तो उसमें से जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब का विकास बहुत धीमा, यानी उसकी गति क्या होगी, अपेक्षाकृत धीमी होगी। तो इसलिए मैंने यहां प्रीपोटेंसी में दर्शाया, जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर अपने पुष्प के वर्तिकाग्र की अपेक्षा ज्यादा तेजी से वृद्धि करता है, जैसे सेब और अंगूर। मेरे विचार से आप सारी चीजों को समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अब मैंने चौथा पॉइंट डायकोकेमी यहां दर्शाया है। डायकोकेमी का मतलब भिन्न काल पक्वता या पृथक पक्वता कहते हैं। भिन्न मतलब अलग, काल मतलब समय, पक्वता मतलब परिपक्व होना, अलग अलग समय में परिपक्व होना। आखिर यह परिपक्व जो शब्द है क्या है मित्रों, परिपक्व का मतलब हो जाता है जिस चीज का उद्देश्य कोई भी वस्तु में, कोई भी रचना में जो रचना तैयार हुई है, जो वह अपने अस्तित्व को रखे हुए है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को पाने के लिए जब वह कोई सामान, कोई वस्तु, कोई रचना काबिल हो जाती है, उस योग्य हो जाती है, तो उसे ही तो परिपक्व कहते हैं। जैसे हम लोग प्रकृति के, सृष्टि की एक रचना है, तो हम लोग का उद्देश्य क्या है, हम लोगों का जीवन का उद्देश्य है समाज की सेवा करना, हम लोगों के जीवन का उद्देश्य है पैर पर खड़े होना, हम लोगों के जीवन का उद्देश्य है दूसरे की मदद करने के योग्य बनना, हम लोगों के जीवन का उद्देश्य है जीवन के क्रिया को आगे बढ़ाना।
तो यह जो है जिस कार्य के लिए हमने जन्म लिया है या प्रकृति या सृष्टि ने हमारी रचना की है, जब हम वह कार्य करने के काबिल बन जाते हैं तो इसे ही मैच्योरिटी कहते हैं, इसे ही परिपक्वता कहते हैं। जैसे एक कुर्सी तैयार किया गया है, चेयर तैयार किया गया है, चेयर को हम लोग तैयार करते हैं, वह चेयर जब हम तैयार करते हैं तो लकड़ी को मिला करके उसको बढ़िया से कारीगरी के द्वारा उसको तैयार करते हैं, और जब वह लकड़ी से बनी हुई रचना हमारे बैठने के लिए यानी वह लकड़ी से बनी हुई रचना हमको अपनी सेवा देने के लिए योग्य हो जाती है, यानी पूर्णता उसका फिनिशिंग हो चुका होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको उसका मैच्योरिटी कह सकते हैं, उसकी परिपक्वता कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ मैच्योरिटी परिपक्वता का मतलब आप समझ गए होंगे, भिन्न का मतलब अलग अलग और काल का मतलब समय। तो आखिर फूलों में परिपक्वता किसको लेना पड़ेगा, फूल में फूल का उद्देश्य क्या होता है, फूल का उद्देश्य होता है फल और बीज बनाना, है ना, यही उसका मुख्य उद्देश्य होता है, यानी जनन के कार्य को करना। तो जनन के कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जनन के कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके मेल पार्ट्स एंड्रोसियम, फीमेल पार्ट्स गायनोसियम। मेल पार्ट्स में क्या आता है, एंथर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन, और फीमेल पार्ट्स में क्या आता है, गायनोसियम और ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल। तो कहने का तात्पर्य है कि जब फूल के नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों की मैच्योरिटी, दोनों की परिपक्वता, दोनों में जनन करने की क्रिया की योग्यता प्राप्त करने का जो समय होता है वह समय अलग अलग हो, यानी दोनों अलग अलग समय में मैच्योर हो, तो उसे ही हम डाइकोगेमी कहते हैं। तो दो तरह के अंग होते जनन अंग, एक होते नर और एक होते मादा। तो अगर मादा की अपेक्षा नर जनन अंग अर्थात अष्टामेन अर्थात एंथर पहले मैच्योर हो जाता है, पहले परिपक्व हो जाता है, तो उसे मित्रों हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेंड्री कहते हैं। देखिए कंफ्यूजन यहां होगा प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनस, प्रोटोगाइनी में, तो आपको कैसे याद रखना है, एंड्रिस एंड्रोसियम से बना है, एंड्री किससे बना है, एंड्रोसियम से, और गायनी किससे बना है, गायनोसियम से। तो आप इससे समझ में आ जाएगा आपको, इसका एक होता है शब्द जो होता है ना, एक होता है प्रेफिक्स और एक होता है सफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय। तो यहाँ प्रत्यय यानी पीछे वाले भाग को, आप पीछे वाले शब्द के खंड को देखिएगा, पीछे वाले खंड को हम देखेंगे एंड्री, एंड्री किससे मिलता जुलता शब्द है, एंड्रोसियम से। तो आप समझ जाइएगा कि नर जनन अंग जो होता है, अष्टामेन जो होता है, पुंकेसर जो होता है जिसमें परागकोष पाए जाते हैं, वह पहले परिपक्व होगा, और यहाँ गायनी, गायनी गायनोसियम से मिलता जुलता है, यानी स्त्री केसर अर्थात वर्तिकाग्र, वह वर्तिकाग्र पहले परिपक्व होगा। तो मैंने पहला में लिखाया प्रोटेंड्री में पूर्व पुंकता यानी नर जनन अंग पुंकेसर परागकोष पहले परिपक्व होता है। देखिए आपको यहाँ पर कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं समझिएगा पुंकेसर लिखा है ब्रैकेट में सर परागकोष लिखा है, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज नहीं। पुंकेसर के अंदर क्या होता है, परागकोष, परागकोष जब तक मैच्योर नहीं करेगा तब तक, परागकोष कब मैच्योर करता है, जब अंदर का पोलन ग्रेन तैयार हो जाता है कि वह जो है नच आपको आगे की क्रिया को कर सके, वह जो है अंकुरित होने के योग्य बन सके, तब जो है वह क्या होता है, परागकोष मैच्योर होता है। परागकोष किसकी रचना होती है, पुंकेसर के भाग होते हैं। तो नर अंग पुंकेसर परागकोष पहले परिपक्व हो जाता है, एग्जाम्पल में कुछ दिए हैं आपको, सेल्विया रोज, सनफ्लावर, चाइना रोज, भिंडी, गेंदा, कपास, क्लेरोडेंड्रॉन। अगला दूसरा नंबर में लिखा है प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी मतलब स्त्री पूर्वता या पूर्व स्त्री पक्वता, जब मादा जनन अंग स्त्री केसर अर्थात वर्तिकाग्र पहले परिपक्व हो जाता है, एग्जाम्पल में मैग्नोलिया, मीराबिलिस, प्लेंटेगा, ग्लोरियोसा, मस्टर्ड, हाइका, सोलेनम, चंपा, अशोक और शरीफा, शरीफा यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो है क्या है, नर जनन अंग और मादा जनन अंग का बारी बारी परिपक्व होता है, ठीक है, दोनों के ड्यूरेशन में, दोनों के टाइमिंग पीरियड में अंतर। अब देखिए यहाँ पर पांचवा मैंने लिखा है हेट्रोस्टाइली, नाम से ही समझ में आ रहा है, हेट्रो मतलब विषम, अस्टाइली मतलब अस्टाइल किसका पार्ट होता है, अस्टिग्मा का पार्ट होता है। तो हेट्रोस्टाइली यानी विषम वर्तिकात्व, ठीक है, फूल में दो अंग होते हैं, एक नर और एक मादा, नर का जो एंथर होता है, एंथर को कौन धारण किया रहता है, कनेक्टिव, और मादा का क्या होता है, गायनो, क्या कहता है, अस्टिग्मा, अस्टिग्मा का कौन धारण किया होता है, अस्टाइल। अगर अस्टाइल का और अगर अस्टाइल का और फिलामेंट का दोनों का लंबाई अलग अलग, तो वैसे को हम क्या बोलते हैं, हेट्रो अस्टाइली बोलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है द्विलिंगी फूल में नर भाग पुंकेसर का फिलामेंट,
जिसे कुंतंतु कहते तथा मादा भाग स्त्री केसर का अष्टायन जिसे वर्तिका कहते, दोनों जब अलग अलग लंबाई का हो तो उसे क्या कहेंगे, हेतुअष्टायन कहेंगे। ठीक है, ये चीज लास्ट में नहीं लिखे हैं, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसको आप समझ जाइए। एग्जाम्पल में ऑक्जेलिस, प्राइमूला, लाइनम, चमेली, ऑर्डेन, लेंडिया। ठीक है, अब आगे देखेंगे छठा पॉइंट जो लास्ट है। ये सब क्या मैं बतला रहा हूं, पर परागण को प्रेरित करने वाले फूल में पाए जाने वाली अनुकूलताएं, या इसको कह सकते हैं स्व परागण को रोकने और पर परागण को बढ़ावा देने के लिए फूल में पाए जाने वाली अनुकूलताएं या युक्तियां। छठा पॉइंट हार्कोगेमी, हार्कोगेमी मतलब स्व अनिश्चित उभय लिंगता जिसे कहते अनात्म परागणता। इसमें कहने का मतलब है कि अगर कोई फूल, बहुत सारे फूल द्विलिंगी होते हैं, फूल तो द्विलिंगी अगर है तो उसमें तो परपरागण होगा, स्वपरागण होगा, लेकिन फूल में कुछ ऐसी रचना होती है जिन रचना के कारण फूल जो है दोनों जनन अंग रहते हुए भी स्वपरागण नहीं कर पाता, स्वपरागण को रोक देता है, उसमें बाधा पहुंचाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हार्कोगेमी कहते हैं। यही चीज मैंने यहां लिखा है, जब द्विलिंगी फूल में रचनात्मक या प्राकृतिक या भौतिक अवरोध रहे जिससे वह पर परागण के लिए बाध्य हो जाए, उसे क्या कहते हैं, हार्कोगेमी कहते हैं। जैसे कुछ पॉइंट मैंने दिया है, पराग कोषों का बाहर की ओर होना। ठीक है, अगर पराग कोष बाहर रहेंगे और उसके मादा भाग अंदर रहेंगे। दूसरा लिखे कैल्मिया, एग्जाम्पल भी आपको इसके साथ आ रहा है, कैल्मिया, कैल्मिया में वर्तिकाग्र बाहर और पराग कोष अंदर होना। ठीक है, इसमें प्राकोष बाहर था और कैल्मिया में क्या है, कैल्मिया में वर्तिकाग्र बाहर है और प्राकोष अंदर है। अंदर कहां रहेगा, कोरोला पॉकेट में होना। दूसरा, तीसरा मैंने लिखा सेल्विया में लीवर मैकेनिज्म द्वारा परागण करना, पर परागण करना। सेल्विया का आपको विस्तार के साथ मैंने आपको एंटोमोफिली में बतलाया भी है। इसके बाद लिखे कैलोट्रोपिस तथा अनेक ऑर्किड में परागकण एक थैले जिसको पॉलिनिया कहते हैं, पॉलिनिया में होते हैं। पॉलिनिया एक दूसरे से चिपचिपे कॉर्पस्कुलम से जुड़कर ट्रांसलेटर बनाते हैं, कीट इन्हीं ट्रांसलेटर के द्वारा परागकण को उठाते हैं और परागण की क्रिया को करते हैं। ठीक है, आप समझ गए आप, इस प्रकार से जो है हार्कोगेमी के द्वारा भी वह पर परागण को बढ़ावा देता है। मित्रों, ये मैंने आपको बतलाया क्या चीज, ये मैंने बतलाया कि स्व परागण को रोकने और पर परागण को बढ़ावा देने के लिए फूल में कौन कौन सी विशेषताएं, अनुकूलताएं या युक्तियां होती। इसके बाद मैं आपको पर परागण के गुण और दोष, मेरिट और डिमेरिट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने जा रहा हूं। आप इसको ताकि